ओलिज बैल नक्शे को उठा के लाया हूँ भाई, वहाँ से यहाँ तक हालत ख़राब हो गई है। स्वागत है न्यू एपिसोड में। अभी चल रहे हैं कैंपिंग करेंगे कि होम स्टे लेंगे, वो अभी देखने को मिलेगा। एक घंटे का टाइम है अपने पास, एक घंटे तक मेराक आए या मेराक से आगे निकले या उससे पहले एक घंटे की ड्राइव करेंगे। जितना ही शानदार जो देखने वाली जगह है, वहां जाने के लिए रास्ता उतना ही ज्यादा गंदा है। और देख लो रास्ता आंखों से। अच्छा सिनु, एक प्लान और मेरे माइंड में भी क्लिक किया है। यहाँ से अभी हैंडले 4 घंटे का रास्ता है और वहां तो देखने का रात का ही है। हाँ, जा रहे हम गैलेक्सी देखने ही है। हाँ। दोस्तों को भी गैलेक्सी दिखानी है, तो कल का पूरा दिन वेट करना पड़ेगा गैलेक्सी देखने के लिए। क्यों ना आज ही पहुंच जाए। सही है, रुकने से मतलब है अपने को, तो यहाँ भी तो रुकना ही है। यहाँ भी रुकना ही है। देखने वाली चीज़ थी वो देख लिया। तो 10 बजे तक का इसमें टाइम दिखा रखा है, 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। अगर ज्यादा मुश्किल हुआ तो होम स्टे ले लेंगे, नहीं तो किसी होम स्टे वाले से पूछ लेंगे कि हम टेंट लगा सकते हैं क्या, तो उसके स्पॉट पे हम टेंट भी लगा लेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है, पहले चलते हैं, है ना। हाँ चलो जी। से निकल रहे हैं तो 300 किलोमीटर ट्रिप बी में है। देखते हैं कितना किलोमीटर है, गूगल के हिसाब से 166 दिखा रहा है, तो क्या 166 है। और रियल टाइम देखेंगे, गूगल बता रहा है 4 घंटे 22 मिनट, और अपने को कितना लगता है वो भी देखेंगे। चलिए जी, डायरेक्ट मिलते हैं। कैमरा बीच बीच में धोखा दे रहा है, तो मैं बता रहा था मान गांव 8 किलोमीटर आगे है और मेरा गांव 30 किलोमीटर, तो यहाँ आके रुक सकते हो आप, सस्ते ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर क्या क्या चीज़ है उसका पूरा ये बोर्ड लगा हुआ है। ये मान गांव है, यहाँ पर स्टे कर सकते हैं आप, वहाँ मेन पॉइंट पर ना करके, क्योंकि यहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। ये मेरी राइट साइड में आप देख रहे हो, ये है मेरा गांव, यहाँ आके रुक सकते हैं आप। और गूगल पे बिल्कुल भरोसा मत करना, ये जल्दी आ गया है, और मतलब वहाँ से ना 30 किलोमीटर बता रहे हैं, उससे पहले ही आ जाता है ये। अभी तक रोड सही है तो हम चल रहे हैं कंटिन्यू हेलने की तरफ। आठ सेकंड की वीडियो बनानी पड़ेगी, ना कोई सिम काम कर रहा है, ना कुछ और, ना कोई आदमी है, सिर्फ ये बोर्ड सारा बना है। और रोजांगला पास करना पड़ेगा, और एक पास आएगा जो 28 किलोमीटर आगे है रोजांगला, उसको पास करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा भाई आपको, कोई आदमी भी नहीं मिलेगा जिसे पूछ सको, नेटवर्क नहीं मिलेगा, और अपना ये गोप्रो है ना धोखा दे रहा भाई। सिर्फ एक ये बोर्ड आया है, पता नहीं आपको दिख पा रहा है कि नहीं, इसके ऊपर चुसूल लिखा है 15 किलोमीटर और रोजांगला लिखा है 28 किलोमीटर। भाई इतनी देर से चले जा रहे हैं, चुसुल गांव है कोई, वहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन ना बंदा ना बंदे की जात। ट्रेन से अभी क्रॉस कर रहे हैं रोजांगला, रोजांगला आता है अपने जब आप पेंगोंग चुसुल से निकलने के बाद 10-12 किलोमीटर के बाद रोजांगला क्रॉस करेंगे। बस दुख ये रहेगा कि अंधेरा हो गया है, फोटो नहीं खिंचवा पाएंगे। हम बोर्ड का इंतजार कर रहे थे, रोजिंगा कोई बोर्ड आएगा, बोर्ड ही नहीं आया, और इसको देख के भी जान निकल रही है। देख रहे हो इन बोर्डों को देख के हमारी सांस अटक रही है, अभी तक तो बोर्ड आया नहीं, शायद ऊपर आ जाए, एक फोटो जरूर लेंगे। और ये अभी देख लेते हैं 8 सेकंड से ज़्यादा वीडियो चल रही है कि नहीं, कैमरा बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। होगी सिनु 8 सेकंड ज़्यादा होगी। अच्छा अभी चल रही है, तो इसका मतलब साइड से ऑन करने पे थोड़ा सा ये साथ दे रहा है। चलो
बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। अभी जस्ट फ्रेंड जो रिजांगला का टॉप पॉइंट है वो निकला है। एक्चुअली बोर्ड बिल्कुल साफ कर दिए गए थे, बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो फ्लैग्स होते हैं ना, फ्लैग्स लगे हुए थे तो फोटो वोटो नहीं खिंचवा पाए और जस्ट क्रॉस किया है। लेकिन अपना जो ये डैश कैम है इसका जो फोटोज है वो मैं थोड़ी शेयर कर दूंगा। और यहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, पेंगोंग से निकले थे तो पर आवर 1 डिग्री कम हो रहा था और अभी हर 10 मिनट बाद 1 डिग्री कम हो गया। वहाँ पर लगभग 17 डिग्री था और अभी हम पहुँच गए हैं। 2 डिग्री गाड़ी दिखा रही है, अगर खड़े होंगे थोड़ी देर तो 0 डिग्री हो जाएगा। कुछ थोड़ी बहुत बर्फ भी गिरी हुई। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर 2 पास हैं। अभी आइडिया लगा, थोड़ा नेटवर्क आया पता नहीं कैसे, यहाँ पता लगा कि अभी जो ये क्रॉस कर रहे हैं हम, ये काकसांगला। एक्चुअली फ्रेंड क्या है, यहाँ पर 2 टॉप हैं, पहला रिजांगला था और ये काकसांगला है। तो ये बर्फ़ जो पड़ी हुई है काकसांगला पे पड़ी हुई है। चलो जी इसको भी क्रॉस कर लेते हैं, काफ़ी अंधेरा हो गया है वैसे अभी। रैंक में है ना 8th नंबर पे है और लगभग है ना खरदुंगला के बराबर है। दोनों पास क्रॉस करने के बाद मुश्किल से कोई एक बोर्ड आया है, ये माही विलेज आएगा 29 किलोमीटर के बाद। तो यहीं पर स्टे करेंगे, इससे 10 या 15 किलोमीटर रह जाता है हैनले, तो वहीं पर गैलेक्सी दिख जाएगी अपने को, क्योंकि हैनले में भी तो अपने को होम स्टे लेना पड़ता, तो वो भी आगे पीछे ही लेते हैं। तो चलो आपको गैलेक्सी लेकिन ज़रूर दिखाऊंगा वहाँ से। अब माहे गांव पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। यहां से वैसे माहे और हैनले कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ता है। तो अभी काफ़ी लेट हो गए, अभी आदमियों को देख के ना जान सी जान में आई है। थोड़े है भी पास थे यार, अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ 2 पासिस हैं तो मैं चलता नहीं पेंगोंग से। चलो ये देखो अभी यहाँ से मुड़ते हैं हैनले की तरफ, बैक करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए वेलकम टू डेट माहे, तो आर्मी का कुछ होगा। चुम्मा थांग समोरेरी क्यारी उपसी ले। गैलेक्सी तो दिख रही है सीनो, गैलेक्सी तो दिख रही है दोस्तों, लेकिन अपने पास अपना मोबाइल है जो वो मून फोटोग्राफी के लिए फेमस है। अभी हम लोग माहे विलेज खड़े हैं और ये जो रास्ता है ना लोमा न्यूमा, ये अभी इस साइड से आए हम लोग, काकसांगला नून गोम्पा और ये माहे खड़े हैं। और इधर की जो साइड है मैं देख पा रहा हूँ क्या, हाँ अभी मेरी इस साइड मतलब पीछे की तरफ जाएंगे तो लेह की तरफ का रास्ता है। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये जा रहा है हैनले, ठीक है जी। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं और आपको जल्दी अभी ना गैलेक्सी दिखाता हूँ। गोप्रो है ये नहीं पकड़ पाएगा, अपना दूसरा कैमरा है वो पकड़ेगा। चलो
आप जल्दी बंद करके आ गए। जल्दी नहीं, 10 बज तक नहीं आएगा तो सोएगा मैं क्या। अच्छा, आज आज कोई भी नहीं आया आपके उधर गेस्ट हाउस में? 9 बज तक बैठा। अच्छा, 9 बज तक बैठे थे। अच्छा। दो चार भाई आया, ये इनका बेटा अभी बंद करके आ रहा है। अच्छा, चलो ये बड़ी बात है, आप हिंदी आराम से समझ लेते हैं। अभी अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग कर दी है और ये होम स्टे मिला है, अभी घर में जाके लेके आए हैं। ये ऐसा गांव है, नाम मेरे को पता नहीं है, और यहाँ पर एक भी आदमी के पास मोबाइल नहीं है, मतलब मोबाइल नेटवर्क है ही नहीं यहाँ पर। और मैं अभी है ना गैलेक्सी की लेने की कोशिश कर रहा था फोटो आप लोगों के लिए, लेकिन अपना कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है। गैलेक्सी बिल्कुल क्लियर व्यू है वैसे यहाँ से, लेकिन अपने पास ऐसा कैमरा नहीं है ना, तो ये जस्टिस नहीं कर पा रहा है। एक दो फोटो लेने की कोशिश करता हूँ मैं, ऐसे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। नाइट मोड में बहुत प्यारी गैलेक्सी नजर आ रही है, हेलने से डायरेक्ट व्यू आ रहा है ऐसा। अगर आप लोग आते हैं हेनले तो ये व्यू आपको देखने को मिलेगा, ये कहीं पर भी नहीं मिलता भाई, ये हेनले में ही देखने को मिलता है आपको। और बहुत ज़्यादा ठंड है सीनू। ये हमने भाई खाना मंगाया है, अभी नक्सु बोल रहा है मैगी खाऊंगा, हमने दाल चावल मंगा लिए हैं, गर्म पानी की सुविधा है। ये इस टाइप का कुछ हमारा आज होम स्टे मान लो इसको, ठीक है। ये हमारा बेड है, बहुत मुश्किल मिला भाई ये भी। और अभी कुछ ऐसी हालत हो रखी है, बहुत बुरी हालत है। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कोई कैमरा बना नहीं है जो गैलेक्सी के साथ वीडियो बना सके। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन दो चार मैं फ़ोटो ले पाया हूँ, तो मैंने दो चार फ़ोटो लिए हैं। पहले आप वो देखो गैलेक्सी कैसी लगती है, और फिर आगे चलो बात करते हैं। दिस वॉज ए वेरी फैटिक डे, सो एंड करना भी भूल गया मैं। मिलते हैं आपको सुबह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।